biraz. O zaman भी थे तो वो पहुंच गए आप इस लेवल पे, तो वो मुझे बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं और मैं जरूरत पड़ती तो बुलाते रहते हैं. फॉर सम ईयर्स इवन दे यूज्ड टू कम हियर फॉर मीटिंग्स. तो ख्याल कैसा है वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का? यूनिवर्सिटी असल में क्या है कि सिंध यूनिवर्सिटी थी ना वहाँ, तो सिंध यूनिवर्सिटी वालों ने प्रोग्राम बनाया था. उनका वाइस चांसलर था डॉक्टर अजीजुद्दीन सिद्दीकी, उनका लोग है. तो वो उनका इंजीनियर कॉलेज बनाना था वहाँ, था नहीं. फिर उन्होंने एडवर्टाइज की थी पोस्ट ओएसडी की, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. तो वह ज़माने में नया नया बैंकॉक से एम ई करके आया था. इंग्लिश वो सीट और ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग था. हाँ तो पूरे पाकिस्तान में भी बहुत कम थे, मास्टर्स डिग्री वाले भी कम थे. तो अलहमदिल्ला फिर मैं करके आया था, तो उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने एडवर्टाइज किया था. तो मैंने अप्लाई किया तो वो आ गए डॉक्टर अजीजुद्दीन सिद्दीकी रजिस्ट्रार यहाँ कराची. तो यहाँ कराची मेरा इंटरव्यू किया था. तो मैं समझा कि और भी कैंडिडेट होंगे, मैं तो वाहिद मेरा मैं था जिसका इंटरव्यू. फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी, चला गया. पहले उनका प्रोग्राम था डेढ़ साल में स्टार्ट करने का, मुझे डेढ़ स्टार्ट का टारगेट दिया था. फिर ज़रूरत पड़ गई तो कह रहे हैं छः महीने में, तो वो छः महीने में फिर हमने अलहमदिल्ला अल्लाह ताला की मदद से स्टार्ट किया. फिर वो वहाँ नवाब शाह में भी इस तरह 74 में यूनिवर्सिटी. हाँ तो अब वो भी यूनिवर्सिटी. वो क्या नाम है? वो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह में. उस जमाने फिर मैं पीएचडी करके आया था अमेरिका से. तो हाँ 70 में मैं पीएचडी करके आया. तो आपके घर में पढ़ने लिखने का बहुत रुझान? बस यही हम टीचिंग कर सारे टीचिंग में सारे टीचर्स. आप भी से? नहीं मैं घर ही संभालती हूँ. ये फर्स्ट कजन है. आपके वालिद भी पढ़ाते थे क्या? नहीं वो मेरे फादर मेरे जो थे वो टेलर थे. अच्छा तो वो टेलर से आप टेलर मास्टर बनने में क्यों? बस वो टेलर मास्टर तो नहीं हुआ लेकिन क्या वजह थी पढ़ाने का शौक कहाँ से आ गया? नहीं मैं पढ़ाने का शौक तो इस तरह हुआ, मैं असल में फर्म में यहाँ काम करता था कंसल्टेंट्स के पास. तो मैं बैंकॉक गया था ना, उससे पहले मैं कैमन में था. वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट था, अमेरिकन प्रोफेसर्स थे, ब्रिटिश प्रोफेसर, डिफरेंट फैकल्टी थी, डिफरेंट इंटरनेशनल. तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. एक एजेड आदमी प्रोफेसर था अमेरिका का, उसने मुझे बुला के एक दिन कहा कि यू शुड लुक फॉरवर्ड. उसने मुझे अपना शौक दिया पीएचडी का. उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था गियर, गियर गियर जी डबल ई आर. ढूंढने वही उसको फसाद की जड़ मारे. हाँ वो दूसरे यूनिवर्सिटी तो वो बहरहाल वो उन्होंने मुझे दिया. फिर मैं आया लेकिन इनके प्रोफेसर थे वो इरम की बहुत तारीफ करते थे, छोटी थी 2.5 साल की. उनके साथ इनकी बहुत दोस्ती हो गई थी. वो कॉइन्स वह जमा करती थी, इनकी आदत थी हमेशा कॉइन्स जमा करती. तो उन्होंने लिखा हुआ था 7, उनको बताया ये 7 लिखा है तो उनका उल्टा करके देखो क्या है, तोड़ के क्योंकि एल है लिखा हुआ, एल लिखा हुआ 7 का, फिर एल कहा. उन्होंने कहा कि ये माशाल्लाह कि कहीं पहुँचेगी ये. उन्होंने बहुत तारीफ की थी. टीचिंग में आ गए. अच्छा अच्छा शोभा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है ना, या तो आप पहले बिलम बनो या फिर उस्ताद बनो, पढ़ाओगे बनो. उसके बाद फिर पढ़ते रहे थे. एजुकेशन में आदमी आता है तो फिर पढ़ाई तो जारी रहती है.
अब बहुत सीन चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से ना, एजुकेशन का सारा सर पैर उल्टा हो गया। MIT ने एजुकेशन फ्री कर दी है, हार्वर्ड फ्री करने जा रहा है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जो जो प्रेस्टीज थी ना डिग्री की, वो अब चीथड़ उड़ जाएगी उसका, क्योंकि इल्म वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके अंदर डिग्री की वैल्यू जो है वो ऑफकोर्स है। यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए तो इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में फिर वो टीचर्स चाहिए। इसलिए जो नॉलेज जो चेंज होता रहता है, इम्प्रूव होता है, एडवांस होता है, तो एडवांस नॉलेज भी दूसरों के पास पहुंचना चाहिए। तो उसको फ्री करने के लिए फिर भी वही प्रोफेसर चाहिए, उसको एडवांस करने के लिए, उसको ऑनलाइन पर रखने के लिए भी वो प्रोफेसर चाहिए जो इस करें। तो उसमें तो ऐसे तो नहीं होता ना, नॉलेज एडवांस नहीं होता जब तक के कोई उसको एडवांस करे। एडवांस नॉलेज करने के लिए वही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन 2 लाख यूनिवर्सिटियाँ जो दुनिया में है ना, उसका वो चेंज हो जाएगी, एनरोलमेंट कम हो जाएगी, होगी नहीं, डिफरेंट हो जाएगी, मेरे ख्याल में इर्तफा ज़्यादा हो जाएगा। बहरहाल जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं ना, डे स्कॉलर्स जिसको हम कहते हैं, वो कम हो जाएंगे। अच्छा, मेरा अंदाज़ा है वो पढ़ लेंगे नॉलेज, क्योंकि अब देखें ना, एक आदमी है बैचलर्स डिग्री है उसके पास, अब वो मास्टर्स डिग्री करना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो अब वो मास्टर्स डिग्री के जो कोर्सेज पढ़ता है, नॉलेज उसको मिल जाएगी अगर ऑनलाइन, तो जाएगा नहीं यूनिवर्सिटी में। फिर फॉर्मेलिटी एग्ज़ाम की अगर है डिग्री की, तो वो एग्ज़ाम दे देगा ऑनलाइन भी, डिग्री ले लेगा, लेकिन अपना काम करता रहेगा अपनी कंपनी में जहाँ भी है। तो एनरोलमेंट फिर जो डे स्कॉलर्स की वो कम हो जाएगी, ऑनलाइन वालों की बढ़ती जाएगी, मेरा अंदाज़ा ये। जी सही, वहाँ क्या होगा ये तो बहुत मुश्किल है गेस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। बहुत टू फास्ट ग्रोथ है, टू फास्ट, बिल्कुल सही, इमेजिन ही नहीं कर सकते। टू क्योंकि हो रहा ही है कि टूल्स ही चेंज होते जा रहे हैं, तो टूल्स बनाए फिर उसके ऊपर एक और टूल आ गया, फिर उसके ऊपर पुराने टूल ही बर्बाद हो जाते हैं, तो दैट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है इस वक्त जो टाइम हम गुजर रहे हैं। अगर हम लर्निंग नहीं सिखाएंगे कि लर्न कैसे करें, तो वो हम खुद ही ऑप्शन, लर्निंग के मेथड्स टीचिंग के पहले तो होते थे टीचिंग मेथड्स चेंज करने, अब लर्निंग के मेथड, लर्निंग की हैबिट्स हैं चेंज करनी है लोगों को, बहुत चेंज। हाँ, नहीं अब वो जैसे फॉर एग्जांपल आदमी यूनिवर्सिटी जाता था, आया होमवर्क करके, अब उसका होमवर्क चलता रहता ऑनलाइन पे, और उसको जो इन्फॉर्मेशन आती है ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मोबाइल पे, तो वो उस वो भी उसका लर्निंग प्रोसीजर में इंक्लूडेड है, तो चलता रहता है। जब वो सो जाता उठेगा तो फिर एकदम कर दो। मैंने स्कूल बनाना शुरू किया है इंटरनेट पे, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी किताबें हैं उनकी फिल्में बना रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, मैट्रिक तक। जितनी उर्दू की किताब है, अंग्रेज़ी की किताब है, उसमें जो जो कहानियाँ हैं उसकी कार्टून और फिल्में बना दी, और ये पूरा स्कूल इस मोबाइल पर आ गया, और ना इंटरनेट चाहिए ना कंप्यूटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और 3 दिन तक ये फ़ोन चलता है बगैर बिजली के, और 2000 रुपये, और अगर ख़त्म हो जाए तो आप मेमोरी कार्ड निकालें, दूसरी क्लास डाल लें। तो आप इमेजिन करें कि जो ख़राब टीचर का मसला था, या टीचर की क्वांटिटी, 2 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर ही नहीं है, तो अब ये जो है इसमें बेहतरीन उर्दू की टीचर भी है, अंग्रेज़ी की टीचर भी है, ये हाथ में हमारे फ़ोन आ गया, टीचर यहाँ आ गया, इससे जो चेंज आएगा वो इतना वियर्ड किस्म का चेंज आने वाला है कि जो आप बिल्कुल जो सोच नहीं सकता स्कूल जाने का, उसको भी है। सेवरल ईयर्स अगो दे इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशन ऑनलाइन, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर अमेरिका बैठा हुआ है, गाइड कर रहा है, और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, तो ये तो इस रेयर अमेरिका, तो अब यू आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट्स, वो तो यहाँ नहीं आ सकता ऑपरेशन के लिए, ये इस तरह का। लेकिन ये है कि आपने जो बनाया ना, ये तो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी एफर्ट्स चाहिए, एफर्ट्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, स्कूल के लिए कुछ भी हो,
तो कोई आदमी जो उनको इस तरह सिखाए, सारे के पास ये मोबाइल हो वो अपना देख लें कर लें, तो अब लैपटॉप से आप मोबाइल पे आ गए ना, तो लैपटॉप बैठ के क्लास में तो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। ये पोएम एक मैंने लगाई, आपके घर के पोते हैं आप उनके हाथ में दे दें वो खुद ही शुरू हो जाएंगे, उनको तो सिखाना ही नहीं, वो तो पढ़ता हुए आए हैं लगता है। करती हैं कुछ ऐसे, कुछ इनके अपनी पॉइंट जो ये खुद पढ़ते रहते हैं, हाँ। फोटो करके फिर वो मोबाइल पर उनको दे देती हैं, अब वो शुरू होता है, सर खा जा सोने नहीं देता, पूरा वक्त लाउंज में चलता है। और चलो मुझे हमें भी अपने